नमस्कार नमस्कार तेजी, नमस्कार, आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए, नीरज ने देश का नाम ऊंचा किया है। जी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और देश का नाम ऊंचा किया नीरज ने, जहाँ टोक्यो में तिरंगा झंडा फहराया। इसलिए मैंने कहा मैं दोबारा से मिलूंगा आपको, नीरज जी को बुला करके उसको सम्मान करेंगे उसका। जी सर, लेकिन आप तो मुकाबला भी देख रहे थे, मैंने देखा था आपको कि आप मुकाबला भी देख रहे थे, कैसा लग रहा था? और जैसे ही पता चला कि नीरज उन उम्मीदों पर खरा उतरा जिनकी जिसको लेकर पूरा देश निगाहें लगाए हुए था, कैसा वो जो भी हरियाणा सरकार की उपयोग होगा उसका हम पूरा करेंगे और उसको हम हरियाणा सरकार में नौकरी देने की बात भी कहेंगे। जी सर, ये बाकी खिलाड़ियों के लिए अब जो आने वाले दिनों में मुकाबले होंगे, कितनी बड़ी प्रेरणा नीरज की तरफ से? देखिए, नीरज ने देश का नाम ऊंचा किया, मैं उनके पिताजी से बात कर रहा था अभी, सतीश कुमार जी से, तो वो भी बहुत उत्साहित थे। और हमने उनको कहा कि नीरज को हम हरियाणा में जो है नौकरी देके उनको ऑफर देंगे, सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाने की बात हमने कही है, और जिसको हेड वो करेंगे, इस प्रकार की ऑफर हम देने वाले हैं। हरियाणा के नौजवान, देश के नौजवान एथलेट्स में कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हम पूरी योजना बनाएंगे। सर, हर खिलाड़ी का ये सपना होता है कि वो अगर कहीं पर परफॉर्म करे तो कम से कम जीत के साथ। हमारे सभी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे रहे जिनको उम्मीद थी कि हम मुकाबला जीतकर भारत की झोली में मेडल डाल देंगे, लेकिन आज जो नीरज ने कर दिखाया है, जो इतिहास उन्होंने रचा है, आपको लग रहा है कि जो खिलाड़ी अपने पीछे जो तमाम मुकाबले हुए उनमें निराश हुए, उस निराशा को भी कहीं ना कहीं नीरज ने खत्म कर दिया इस जीत के साथ? देखिए, मैं उन खिलाड़ियों को जो नहीं जीत पाए हैं उनको भी कहूंगा कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम एक टीम के रूप में जाते हैं, आखिर देश की 120 लोगों की टीम जिसमें 30 लोग हरियाणा के थे, सबके सब लग गए और सबने जैसे 7 मेडल हर देश के लिए जीते हैं, तो ये 7 मेडल का श्रेय सभी 120 खिलाड़ियों को है। नीरज जिन्होंने लीड किया है वो हमारा लीडर है, लेकिन लीडर होने के बाद भी ये खुशी हर एक खिलाड़ी के मन में है, जीत हार लगी रहती है। जो इस बार सफलता नहीं प्राप्त कर पाए, हम उनकी ट्रेनिंग और कराएंगे और उनको जो कुछ सुविधाएं चाहिए वो देंगे, और अगले चरणों में ये बाकी खिलाड़ी भी जो रह गए और आगे जाकर के जीत के आए, इसलिए जीत हार की बजाय खेल की भावना से खेल खेले हैं, सब जीत को महसूस करें। जी खट्टर जी, एक सवाल मैं ये करना चाहूंगा, ओलंपिक में हमने इतिहास रच दिया है, अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, और हरियाणा के लालो ने तो कमाल करके रख दिया है, लठ गाड़ दिया है, जैसा आपने खुद भी कहा था, कितना गर्व है इतिहास रचने पे। मैं कहता हूँ हमको ये पूरा गर्व है कि इस समय में जैसे जनता का उसमें उत्साह बढ़ा है और खेलों के उत्साह के कारण से एक जो माहौल बदलता है, एक खुशनुमा माहौल होता है, उमंग होती है, उसके कारण से देश और प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। ये केवल खेल में आगे बढ़ने की बात नहीं है, ये जब जज्बात बदलते हैं जनता के तो वो हर एक चीज में आगे बढ़ने का मन करता है। इसलिए खेल तो मैं कह सकता हूँ कि बहाना है, लेकिन देश को आगे बढ़ाना है तो देश का हर व्यक्ति उत्साह से आगे बढ़े, ये उत्साह इन खेलों के माध्यम से पूरा होगा। सर, आपकी नीरज से कोई बातचीत हुई, कोई खिलाड़ियों से, किन्हीं खिलाड़ियों से बातचीत हुई है आपकी? देखिए, मेरे उनके पिताजी से भी बात हुई है, उनके चाचा जी से बात हुई है, और कल मैंने पुनिया से, उनके पुनिया के जो परिवार के लोगों से, उनसे बात हुई है। 13 हम अब जैसे वो वापस लौटेंगे तो एयरपोर्ट पर उनका स्वागत कराएंगे, और 13 तारीख को उनके सम्मान का हमने कार्यक्रम रखा है पंचकुला में। सर, बहुत बहुत शुक्रिया।